सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मॉन्स्टर हंटर का। तो गाइस, आर्क मॉन्स्टर हंटर के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हमने ये खतरनाक सा एंड पावरफुल सा जो बैसिलिक है, इसको टेम करने का काम जो है ना गाइस, वो कर लिया था। और अभी आज का जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में मेरे को बताने का इसकी मैं क्या टेम करने वाला हूँ। बाकी गाइस, यहाँ पे जो है ना गाइस, आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाक से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे गेमिंग विदानी के चैनल की, उनके चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और गाइज, मैं यहाँ पे बता दूँ मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना गाइज, हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में आपको थैंक्स का बटन दिख जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, कर दे आज के इस वाले एपिसोड का शुभारंभ बिना किसी देरी के, और मचा डाल दे एकदम फुल टू तबाही ना मेरे भाई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आज करूँ तो करूँ क्या टेम में भाई, ठीक है। मेरे को समझ ना आ रहा कि आज मैं क्या टेम कर सकता हूँ। हाँ, टेम करने के लिए इतने सारे डायनोज है ना, फुल कन्फ्यूजन है गाइज, फुल कन्फ्यूजन है। टेम करने के लिए घीगा तो मैं टेम कर लिया यार। ये इंडोमेस रेक्स होता क्या इसमें, प्रीमेबल इंडोमेस रेक्स 1800 लेवल बेटे। अरे अभी मांगता मेरे को ये भाई, बोल तो इंडोमेस रेक्स है। ये देखो मूर्ख बालक, ये देखो मूर्ख बालक, देखो रुक जाओ, चलो रे। हाँ अंकल, अरे भाई ले भाई, खा गया घीगा, घीगा ही खा गया उसको, ठीक है। चलो गाइस, एक कोई तो इंडोमेस रेक्स से बोले जो कि रेडवुड में मिलेगा बोले गाइस, ठीक है। सो मैं जा रहा हूँ भाई रेडवुड में, लोकेशन लेके 4114 पे भाई वो, एंड रेडवुड में जाके उसको टेम करने का काम कर रहा हूँ मैं भाई, ठीक है। आ जाओ चलो रेडवुड में, देख दे गाइस कि हमको वो प्यारा प्यारा सा और खूबसूरत सा जो इंडोमेस रेक्स वो मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो टेमेबल वर्जन है या फिर कोई बॉस वर्जन है गाइस, वो देखना है। और रेडवुड ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, ठीक है। अगर अपन ऐसे चलते रहे तो आराम से वो रहा गाइस रेडवुड, ऐसा दिख रहा है। और मैं जो ना गाइस यहाँ पे आपको भाई थोड़े से डायनोस भी दिखाते चलूँगा, ताकि जो ना गाइस अगर वो टेमेबल नहीं हुआ तो यहाँ पे जो डायनोस हमको दिख रहे हैं उनमें से हम किसी को टेम कर सके। बॉस फाइट नहीं नहीं नहीं, किसी से फाइट लिया तो ओह वाओ, ओ साइक्लोप है गाइस, साइक्लोप है यहाँ पे भाई। और इसका भाई वो भी उतना ज़्यादा तगड़ा वाला नहीं है, टॉर्पर भी उतना ज़्यादा नहीं देना है। चलो गाइस साइक्लोप गाइस हमको एक दिखाई दिया गाइस, साइक्लोप सर जी। चलो गाइस साइक्लोप को टेम करेंगे अगर इंडोमेस रेक्स हमको वो टेमेबल वाला नहीं मिला तो। और ये वाला जो आइलैंड देख रहे हो, इसी आइलैंड पे हमको इंडोमेस रेक्स जो है ना, ओ वाओ टिबूर जो है ना उनकी भाई पावरे हो रही लग रहा है भाई। अरे मार मॉडिंगिंग भाई कुछ तो भाई टिबूर है जो कि टेम नहीं होते लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल होते हैं। चलो आ जाओ, देख जाएगा इस आगे हमको और कौन कौन से मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मॉन्स्टर्स से हमारा पंगा होने वाला है। 4114 और यहाँ पे एज पे ये वाला एज देख रहे हो, वहाँ पे मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। और ये इचिता इचाई इकुची 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 थी भाई वहाँ पे, कहाँ पे सर जी आप, यहाँ पे कहीं पे बोले, अरे 41 पे जाना ना, 41 पे जाना, 4136 पे आ गया हम, हेलो 41 पीछे रहेगा, 4114 भैया कैसा लोकेशन है रे, 4114 पानी के अंदर इंडोमेस रेक्स क्या कर रहा, दैट्स स्ट्रेंज टू, लोकेशन तो सही ली थी यार, बट कॉमेडी बल जरा रुक जाइए आप, बता नहीं गाइस मेरे को कि है क्या सी ना, निकल ले बाहर निकल ले, 4140 बोल रहा जो कि लोकेशन है पानी वाली है, पानी के अंदर इंडोमेस रेक्स क्या कर रहा भाई,
पानी के अंदर क्या कर रहा है? आइडिया नहीं यार कुछ। मैं अंदर जाके देख रहा हूँ गाइस, ये मिल जाए मेरे को, जब तक मेरा भाई ऑक्सीजन और जब तक मेरी जान चलेगी तब तक मैं नीचे नीचे जाता रहूँगा पानी के अंदर, ठीक है? हाँ पता है, गुल गुल हो रहा है भाई, ठीक है, चिल मार चिल मार बेटा चिल मार। 41 14। अबे यहाँ पे तो इंटोमेजर एक्स का आई भी दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या बदतमीजी है भाई? मेरे को लग रहा है कि मेरा फुद्दू काटा गया गाइस। मैं लोकेशन एक और बार देख लेता हूँ गाइस, रुको, चलो चलो चलो। हाँ मार दे मार दे, मुझे लग रहा है ये या तो ग्लीच हो गए यहाँ पे जो ना गाइस, ये ग्लीच हो गए मैप के नीचे स्पॉन हुआ होगा शायद से, देख दे। चलो अभी तो भाई फटाक से हम लोग जो ना भाई वापस से एक बार लोकेशन चेकआउट कर लेते हैं कि कहाँ पे वो इंडोमेसरेक्स, क्योंकि आपको भी पता है कि गीगा से ज़्यादा अगर कोई पावरफुल है तो वो इंडोमेसरेक्स है, और अगर इंडोमेसरेक्स अपने पास आ जाता है तो हम जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है? इसलिए मैं इंडोमेसरेक्स को यहाँ पे टेम करने के बारे में सोच रहा हूँ। पहले तो मेरी जो ग्लोटेल है उसको मेरे को बुला दो भाई। कहाँ पे भाई? ग्लोटेल, अरे मेरी पैरी पैरी ग्लोटेल। हाँ भाई ठीक है चलो। तो अभी एक और बार मेरे को जरा लोकेशन बताओगे आप, क्या था नाम उसका? इंडोमेसरेक्स 3328 है बोले अभी। वाह भाई वाह, वो वाला भाई मर गया बोले वाह का। 3328 पे जाने के बाद ये वाला भी मर जाए भाई, क्या बोले भाई। चलो देखते गाइस, चलो देखते देखते, अगर ये नहीं हुआ तो अपन साइक्लॉप डेम कर लेंगे गाइस आज। वैसे साइक्लॉप मेरे वैसे किसी काम का है नहीं, बट फिर भी डेम कर लेंगे। मैं लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा, इतना ज़्यादा उड़ उड़ के जाने की जरूरत नहीं, पता है मेरे को पहाड़ी के अंदर है लास्ट लोकेशन, बट फिर भी गाइस काम बन जाएगा भाई, ठीक है? ग्रिफिन को फॉलो करा के उसके ऊपर बैठ जाएंगे अपन। ओ वाओ, मूव क्लोजर टू राइड, ओ माय गॉड। आता ग्रिफिन सर जी, मूव क्लोजर कैसे भाई? ओ वाह भाई, पानी भाई देख रहे हो क्लियर दिख रहा है ग्लिच से। ये क्या चीज़ है वैसे, इसके अंदर है क्या? ओ ग्रिफिन की इन्वेंट्री है, ये हमारे ग्रिफिन की इन्वेंट्री है। तो जब भाई इसके अंदर का सामान उठा लेता हूँ, फ्यूचर में काम आ सकता है, ठीक है? अभी ग्रिफिन को ऊपर ऐसा फेंक डालो और उसको फॉलो करा डालो, इधर आ जा भाई। हाँ फॉलो करा के भाई उठा ले भाई मेरे को। अंकल जी कम ईयर कम ईयर, अबे कम ईयर ना, अबे टीपी मारेगा क्या सीधा? क्या मैं इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ पैरों के पास से? हाँ इजीली, लेट्स गो। चलते गाइस, लोकेशन है 3328 एंड 3328 लोकेशन, ओके, अन एक्सप्लोर जगह है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करी है। सो मे बी वहाँ पे मेरे को मिल सकता है गाइस इंडोमेसरेक्स, एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि टेमेबल वर्जन हो जाए। ओ थायलो, थायलो से बच के भाई, खतरा है काफ़ी ज़्यादा रेडवुड में, थायलो से बच गए। कहीं से भी जंप बिम पड़ सकते और बैंड बच सकती है। रुकना मैं एक जो है ना गाइस वो बेच देता हूँ। ये क्या चीज़ है क्या भाई? वाइवरन का कब्जा है। अब भाई वाइवरन लोग तुमने कोई जगह छोड़ी है क्या भाई? इसके आग हर जगह पे भाई कब्जा करके बैठे हैं। 3328 भाई, ओके यहाँ पे। और ये वाइवरन लोग जो है ना गाइस मैक्सिमम डैमेज को मार देते यार, इसलिए दिमाग और ज़्यादा घूम जाता। 33 पे मैं जा रहा हूँ, मतलब पहुँच चुका हूँ, अभी 28 पे पहुँचना है हमको। 26 27, ओके 28 भाई। इंडोमेसरिक्स अभी तक दिख जाना चाहिए था, शायद से इसका भी गेम बच गया लग रहा है। 33 28, ना गाइस यहाँ पे कोई भी इंडोमियस रेक्स है नहीं गाइस, कोई भी इंडोमेसरिक्स नहीं है। हट भाई, ये क्या हो रहा भाई? वाय दादा वाय। 3328 है ना? हाँ तो मैं 3328 पे हूँ भाई, जैसे कि आप देख सकते हो। रुक जाओ, ओके 28 और 33 यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, इस वाले डायरेक्शन में। आ समझ गया क्या हो गया उसके साथ, इन लोग ने उसका गेम बजा डाला होगा भाई। वो जो लोग थे ना वहाँ पे, इन लोग ने गेम बजा डाला होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे वो इंडोमेसरेक्स होना चाहिए था, एंड वो इंडोमेसरेक्स यहाँ पे है नहीं। सो मेरे हिसाब से जैसे वो पानी के नीचे उतरा होगा तो वाटर वाइवरन ने उसका गेम बजा डाला होगा। चलो कोई ना, निकल लेते गाइस यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे तो भाई वो बी वाले हाइव है, उसमें से हनी तो अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। चलो गाइस यहाँ पे रेडवुड करके एक टीपी लगा देता हूँ, फ्यूचर में गाइस अगर यहाँ पे कभी आना हुआ ना तो हम इस टीपी से आ सकते हैं, ठीक है? रुक जाओ, यहाँ पे लगा देता हूँ, एंड इसको नाम देंगे
रेड वुड भाई, ठीक है लेट्स गो गाइस। अभी चल के ना एक मैक्स लेवल का साइक्लोबी टीम कर लेते यार। अपने भाई नसीब में शायद से इंटरफेस रेक्स नहीं लिखा हुआ है गाइस, और इसमें डायनोबिनो का इवोल्यूशन विवोल्यूशन होता है कि नहीं ना, वो भी मेरे को चेकआउट करना है गाइस। आ जाओ गाइस यहाँ पे। अरे भाई अटक गया क्या? हमारा ग्रीनल अटक गया था लग रहा है। ठीक है चलो आ जाओ गाइस, साइक्लोब को टेम करेंगे। साइक्लोब वही होता है ना जिसकी एक एक आंख होती है, मुझे लग रहा है वही है गाइस भाई, उसको टेम मार डालेंगे भाई साइक्लोब। कितने है भाई? 1500 लेवल का है। अबे भाई यार भाई इतने ज़्यादा दूर कैसे जाऊँगा मैं? 75-81 ओके भाई, ये तो फ्लूटिंग आइलैंड्स है भाई, दलदल वाला एरिया पूरा का पूरा। वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई ना कहे चलो आ जाओ। आज तो साइक्लोब को टेम करके रहेंगे, देख देगा इसकी साइक्लोब के पास कौन कौन सी अनहोनी शक्तियाँ। मुझे मेरे को लग नहीं रहा कि साइक्लोब के पास जो ना कहीं कोई ओपीसी पावर होगी, बस ऐसे नाम के लिए साइक्लोब होगा गाइस, ऐसा मेरे को लग रहा है। देखते बाकी टेम करने के बाद ही पता चलेगा वो तो कि साइक्लोब कितना ज़्यादा ओपी है गाइस यहाँ पे। भाई जंगल में तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी मेरे को 75-81 पे जाना है, और उम्मीद कर रहा हूँ वहाँ पर मरा ना हो यार, इतने ज़्यादा दूर आने का वरना कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है वो मरा ना हो, किसी ने उसको मारा। 81 पे पहुँच गया मैं, 75 पे पहुँचना है। वैसे जंगल में काफ़ी ज़्यादा भाई मेरे को डायनोस तो दिखाई दे नहीं रहे, मुझे नहीं लग रहा कि साइक्लोब को कोई खतरा होगा यहाँ पे। 75-81 पे नो साइक्लोब, व्हाट द हेलो, कहाँ चल रहा भाई, चल कहाँ रहा भाई है भाई? 75-81 पे कोई साइक्लोब नहीं है, 81 पे चल ले ऊपर शायद में भी, शायद से यहाँ कहीं पे होगा, रुको शायद हम गलत जगह पे आए होंगे, या कहीं तो होगा भाई साइक्लोब, कहीं ना कहीं तो होगा गाइस वो साइक्लोब भाई। 1500 लेवल का यार, 75-81 75 कहाँ पे सर? 75 इधर है, ठीक है ये रहा गाइस हमारा 75, ठीक है ये रहा हमारा 75 एंड ये रहा हमारा 81, मतलब यहाँ कहीं पे वो साइक्लोब होना चाहिए था, बट वो शायद से मर जा चुका है, बस उसकी पेटी बना डाली है गाइस, लग दो मेरे को ऐसे रहा। वैसे वो राइनो कितने लेवल का था? अरे वो राइनो कितने लेवल का था? दिखने में काफ़ी फुल लग रहा था वैसे वो, मैं सोच रहा था उस राइनो को ही टेम कर लूँ, बट देखते चलो एक और बार ट्राई मारते हैं। मे बी साइक्लोब फाइट बीट करते करते कहीं पर दूर भगा होगा। साइक्लोब मरा, वाव वाव बेटे वाव। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा भाई 3180 पे, ये वाला भी मर जाएगा, देखते चलो गाइस आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस 3180 पे चलते हैं, देखते गाइस कि वो वाला साइक्लोब जिंदा है कि नहीं। भाई जहाँ पे भी जा रहा हूँ सारे मरे हुए डायनो दिखाई दे रहे हैं भाई। इंडोमेस रेक्स के पास गया वो भी मरे हुए थे, साइक्लोब के पास गया वो भी मरा हुआ है, अभी एक और साइक्लोब के पास जा रहा हूँ पता नहीं वो जिंदा है या मरा हुआ है, देखते चलो। फ्लोटिंग आइलैंड के साइड में आ चुका हूँ गाइस मैं, स्पाई ग्लास ओपन करके 3180 पे अपन को पहुंचना है। ऑल राइट 3180 ऑल राइट, यहाँ पे इस एज पे इस आइलैंड पे होगा, इस आइलैंड पे अकेला भाई बैठा है क्या वो साइक्लोब? अरे रोबो भी बोए भाई यहाँ पे, अबे चलना है। अरे बुक 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 क्या कर रहा भाई, निकल ले भाई। 3180 कहाँ पे? ये रहा 31, मेरे को नहीं करना भाई टिप, ये रहा 31 एंड ये रहा 80, क्या है यहाँ पे भाई? जरा मेरे को बताओ कि साइक्लोब कहाँ पे? भाई ये सारी गेम वाले फुद्दू काट रहे, टाइम वेस्ट कर रहे यार मेरा, भाई दिमाग घूम रहा भाई, सारे साइक्लोब मरे भाई। भाई पहले इंडोमेस रेक्स मरे उसके बाद साइक्लोब मरे, ना ना हम क्या करें डेम भाई, ना मैं कुछ डेम ही ना करता फिर तो। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई यार, मैप ही पनौती है भाई, मैप मेरे को बहुत ज़्यादा पनौती लग रहा। वाह ग्रिफिन से एक तो यहाँ पे भाई मैं बड़े आराम से सांप इकट्ठा कर पा रहा हूँ, बताओ ये देखो भाई ग्रिफिन से पेड़ तोड़ने पे सांप मिल रहा है बताओ, 69 हो गई भाई, ठीक है भाई अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा ओपी मिल रही है। ये देखो गाइस बताओ गाइस सस्ते न से भाई, स्पाइनो स्पाइनो ना चाहिए यार, अब बिजला बिजला गड़क रही है गाइस यहाँ पे, और वैसे भी तूफान शायद से भाई मैप पे आ चुका है गाइस, पूरा अंधेरा कायम रहे जो ना गाइस वो हो चुका है, मैं गामा 4 कर देता हूँ रुको। चलो आ जाओ गाइस भाई इसी वाले पार्क में, जो भी भाई अभी ओपी सा डायनो मिलेगा मैं उसी को डेम करूँगा गाइज, और मैं यहाँ पे ना एक मॉड डालूंगा जिससे ना हम लोग
एग्जैक्टली डायनो को ट्रैक कर सकते हैं कि वो डायनो है कहाँ पे भाई। एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि वो डायनो है कहाँ पे, और हमको ज़्यादा तुड़ुक जाम जो है ना गाइस फिर करनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे तो वाइब्रेंस विवरेंस भी होंगे अगर इतने सारे घूम रहे ड्रैगन्स तो। ठीक है, देख वाइब्रेंस मेरे को पता है भाई, पानी में तो इन वाटर वाइब्रेंस ने भाई अपना भाई घर बना रखा है भाई। ठीक है भाई, मैं कोई ओबीजा डायनो ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे टेम कर सकूँ। मे बी मैमथ या फिर मैक्स लेवल का कोई ग्लेशियल या पावरफुल सा राइनो, जो कि गाइस मैं आज टेम करूँगा। माना नहीं चाहिए यार, माना तो नॉर्मल वर्जन वाले हैं, वो नहीं चाहिए मेरे को। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, अर्जेंटेविज है, रेक्सेस है, मेगाथेरियम है। देख देख गाइस, चलो और क्या क्या डायनो दिख रहे हैं हमको। माना कौन सा, और माना नॉर्मल है 1400 लेवल। राइनो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बुली राइनो 1300 लेवल नॉर्मल वाला है गाइस। नॉर्मल वाला तो टेम नहीं करना है मेरे को, अगर हो सका तो ग्लेशियल वाला टेम जरूर करूँगा मैं। एक काम कर लेता हूँ, मैं डेजर्ट में चलता हूँ, मेरे को डेजर्ट में अलग अलग तरह के रेक्सेस मिल जाएंगे, आज तो रेक्सेस को ही टेम करता हूँ। और ये जो ग्लीच है ना गाइस डायनो का, इसका कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ कर लेता हूँ भाई। ठीक है, एक बार हट जाए ना तो काम 25 हो जाए। चलो गाइस, काम कर लेते, पहले तो अपने घर पे टीपी मारते हैं एंड वहाँ से ना अपन डेजर्ट में चलेंगे गाइस। ठीक है, एंड वहाँ पे कुछ ओपी वाले रेक्सेस को या फिर देथवाम टीम करता ना गाइस, क्या गुंडा बनेगा रे, देथवाम टीम कर लेता हूँ इजी पीजी, वो भी तो नॉकआउट टीम ही है। आ जाओ चलो गाइस, और हमको तो देथवाम काफ़ी सारे मिल जाएंगे गाइस यहाँ पे भाई अपने डेजर्ट वाले वाइब में, और वो भी भाई अलग अलग कलर के, जो चॉइस चाहिए उस चॉइस के देथवाम मिलेंगे। आओ चलो भाई, और कोई चारा तो नहीं है अपने पास देथवाम को टेम करने के अलावा, इसलिए चल के अपन देथवाम को ही टेम कर लेते हैं। ये देख रहे हो 1500 लेवल, मजाक कर रहा भाई, मजाक कर रहा, लेवल सॉलिड है भाई। लुक भाई भले ही सॉलिड ना हो बट टेमेबल एंड ब्रीडेबल भाई। मैं सही सुन रहा हूँ कि देथवाम अपना बच्चा पैदा कर सकती है, वाह भाई वाह। ये कुछ अजीबो गरीब चीज़ें सुना है भाई, देखने को मिल रही है अभी यहाँ पे रेक्सिस स्केलेटन वाला, नहीं मारा तो उंगली करेगा गाइस, खाली पकड़ उंगली करेगा गाइस यहाँ पे दे तू हमको, इसलिए गाइस इसको मारना पड़ेगा। ठीक है, इसको मारना पड़ेगा, और उंगली कर दे रहता गाइस, उंगली कर दे रहता इसलिए भाई। ये तो भाई हेल्पफुल कर रहा है भाई अपनी डायनो को, खा खा के डेड बॉडी ये ले भाई, मरने वाला अभी 50% है डाउन। हेलो सर, कितना हो गया डाउन, 50 हो गए, 40 30 20 10 गया, बेस क्या, चलो आ जाओ। ऑल राइट, ये हमारी फर्स्ट डेथ वॉर्म है एक्सपेंशनल किबल। हाँ यहाँ पे मार ले भाई, जिस जो मार रहा है भाई मार ले उसको, अभी के लिए 13 दिन है। कौन मार रहा है, हाँ जी चेप डाल, चेप डाल, बेस क्या, लाड़ में आ रहा था भाई, लाड़ में आ रहा था देथवॉर्म। वेल डन, तूने एकदम उमदा काम करा है। ओके, बट वो एक्सपेंशन किबल एक बार वापस दे दे, किधर है वो एक्सपेंशन किबल, अरे देथवॉर्म की बेटी का, हाँ ये रही, हाँ ये किबल भाई मेरे को लेने दो, मैं अच्छे कलर वाले एक देथवॉर्म ढूंढूंगा जो मैक्स लेवल की हो। ठीक है, अगर मिल गई तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं मिली तो भाई हमारे पास पहले से एक मैक्स लेवल की देथवॉर्म पड़ी हुई है भाई, ईजी पीजी ब्रो, नो प्रॉब्लम। देथवॉर्म्स वेयर आर यू देथवॉर्म्स भाई, देखा उस दिन देथवॉर्म ना अटैक पे अटैक करे जा रही थी, आज एक देथवॉर्म नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे। ओ रे इतना 800 लेवल ना भाई, 800 लेवल तो ना चाहिए यार मेरे को, इतना कम लेवल में तो भाई अपन ना ही मानेंगे यार, मेरे को और ज़्यादा लेवल चाहिए गाइस यहाँ पे भाई। 800 लेवल तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, टाइटेनोसॉरस से फाइट चल रहे भाई। ओह वाओ वाओ, व्हाट अ कलर, व्हाट अ लुक ब्रो, खतरनाक यार, खतरनाक ही है भाई ये, इसका कलर लुक भी एक नंबर लगा गाइस मेरे को। ओके वेट अ मिनट, एक मिनट, साइड हट हाँ ये खाली यहाँ पे मेरे से पंगा लेगा। ठीक है, देथवॉर्म मैडम जी, अबे यार देथवॉर्म मैडम जी को चूल मच रही है भाई बहुत ज़्यादा,
रुको रुको, इस डेथ बॉम्ब को 100% टेमिंग इफेक्टिवनेस के साथ टेम कर लेना है अपन को, 100%, समझ रहे हो, 100%। हाँ मैम तुमको मार मार के अपना हेल्थ फुल कर ले चाहिए तो। हाँ बस बस बोध हो गया, चुपचाप बेहोश हो जा। हाँ हाँ भाई चलो रे निकल लो बेस क्या वल्चर के बच्चों। हाँ जी अभी मैं डेथ बॉम्ब को टेम कर रहा हूँ, कोई अगर कौन मारा भाई, ग्लोटेल का चुल मच रही है। ग्लोटेल को चुल मच रहे, फोकट में फ्री फंड में चेप डाला भाई, इसको बताओ फ्री फंड में चेप डाला भाई यार। अब इसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम मिलेगी मेरे को, लेकिन कोई ना, चलो गाइस ये वाली देखवा मेरे को काफ़ी खुल लगी। वो डायरेक्ट राइड है क्या, 98% है, नो प्रॉब्लम डायरेक्ट राइड है वैसे आपको ना मैं भाई रुक जाओ, कैक्टस सैप ले दो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो काम आएगा, एंड वेजी बेची लेने दो। कैसे देखना, पहले आपको दोनों डेथ बॉम्ब दिखाता हूँ, इतना पटकने के बाद ओ भाई ओ मागो तुरुलाब, ओ भाई 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 दो डेथ बॉम्ब्स तेरे भाई ने टेम करिए, 779 और ये भी 779, नाइस वन। तो इसको क्राव कर लो और इसको चला लो, इसका कलर ओए क्या कलर है मेरी जान, ओ भी बोल डैग, ओ भाई वैसे भाई जकड़ने वाला आपने भाई, ये भाई अजीबो गरीब गाइस हाथों से जकड़ने वाला भाई अटैक है, पट्टे से खोपड़ी शॉट और कोई अटैक नहीं है भाई, ठीक है ठीक है। और गाइस अभी मैं क्या सोच रहा हूँ बताए क्या, इन देतवाम का ना घर पे जाके अभी नहीं आने वाले एपिसोड में ना इनका और उसके बाद इनका छोटी जोड़ सा बेबी, ठीक है गाइस, क्या बोलते हो कैसे लगा प्लान तो मस्त बनाता हूँ मैं, 2 मिलियन भाई हेल्थ है, ठीक है ठीक है। डैमेज सर वाओ, ये डैमेज का भी कूल है गाइस इसका, ये क्या है भाई ये कपड़ा है रे, आई ससुर खान आती है कपड़ा हुआ या बे, अरे जरा उठान दो तनिक भाई, ये तो ब्लूप्रिंट है भाई अनस्टेबल मेक का भाई, ठीक है ठीक है भाई। ये पकड़ने वाला टैग भाई 2 लाख का डैमेज आ रहा है, वो टाइटन सर स्कूपी है भाई, और उसको टॉर्पर देने में पड़ जाएंगे भाई अपने, 18 मिलियन तो टॉर्पर नहीं दे पाएंगे यार इतना ज़्यादा। हाँ अपने बैसिलिक से दे सकता हूँ मैं, कोई चीज़ नहीं है बैसिलिक से दे दूंगा, बाद में देखते पहले तो अभी इस देतवाम से ना थोड़ी सी तफाई मचाने। कैन यू गो अंडर द ग्राउंड, मल्टीपल टारगेट हिट कर सकते हैं, ये तो मल्टीपल टारगेट कर सकते हो, और मेरे हिसाब से इसका डैमेज ना 5-6 लाख जाने वाला, मेरे को लग रहा है गीगा को टक्कर देगी गाइस, डैमेज के मामले में गीगा को टक्कर दे सकती है, रुक जाओ देखते चलो आ जाओ। ग्लेशियल ना भाई नहीं दे भाई, लेकिन डैमेज गया गाइस इसका 6 लाख जा रहा, 6,61,000 टोटल गाइस इसका डैमेज जा रहा, जो काफ़ी ज़्यादा ओपी डैमेज है। और भाई देख रहे हो क्या मार रही है यार, ये क्या ही मार रही है यार भाई, सबकी बाढ़ बजा के रख देगी, ग्लेशियल वाला डायर वुल्फ भाई, चलो रे पानी में नहीं जा पाएगी ना, ओ पानी में नहीं चल सकती गाइस, पानी में मैं इसको लेके नहीं जा सकता भाई, देख रहे हो कैसे स्लो हो चुकी है जैसे पानी के नज़दीक, हाँ भाई देखो अभी फास्ट होगी वापस से, मतलब पानी के नज़दीक मैं इसको लेके नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। ये जो रेड वाला मिला है ना, हाँ ये हमारे काफ़ी काम का है, इससे हम सैडल बिडल बना सकते हैं। ऑल राइट गाइस, पानी के नज़दीक मैं जा नहीं सकता, लेकिन कोई ना गाइस अपन तो डेजर्ट में और ग्राउंड पे तो तबाही मचा सकते हैं गाइस, सही है यार, कैसे लग रही फिर गाइस सबको हमारे प्यारे प्यारे से देखवा, ये मूर्ख बाल निकल भाई ऐसा पैसे लिखदार, ये लो जी पट्टे से, ओहो ओ अनस्टेबल वाला भाई वहाँ पे एक मेक है भाई, रुक जाओ इस भाई टाइटन को चिप डाल रहा, टाइटन को मार रहे भाई, मरा 15,000 लेवल के टाइटन को मार डाला भाई, पुग्नेशियन मेक ये ले वन शॉट बोलते ब्रो, 1800 लेवल का था, लेवल हद से ज़्यादा ही थी कुछ यार, उठा लेता हूँ भाई 1800 लेवल का था, इसको अपन क्राफ्ट कर लेंगे गाइस, ठीक है अनस्टेबल मेको क्राफ्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको, लेवल 300, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास पड़ी हुई है भाई, हम अनस्टेबल मेक जो है ना पुग्नेशन वाला वो यहाँ पे क्राफ्ट कर सकते बड़े आराम से भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गाइस बताओ आपको हमारी ये खतरनाक सी जो डेथ वॉर्म है ना वो कैसी लगी गाइस, कैसी लगी गाइस बताना भाई, ये प्यारी प्यारी सी एंड ओपी सी हमारी डेथ वॉर्म गाइस, अगर आपको हमारी डेथ वॉर्म पसंद आई होगी ना
तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के गाइस, आर्क मॉन्स्टर हंटर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। जाते जाते जो ना गाइस यहाँ पे हम लोग इस ज़ॉम्बी वाले टाइटन को जरूर मार के जाएंगे। बाय बाय सर, बाय बाय, सी यू नेवर मेरे बबड़ी। ये मर गया, मर गया, खत्म, खत्म, लेट्स गो। तो फिर भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। How careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.